दोस्तों आज की वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम कुछ प्लम्बिंग के कुछ मेटल्स के बारे में बात करेंगे कि इनका कहाँ पे हम यूज करते हैं। वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए। तो सबसे पहले दोस्तों अगर हम बात करें तो मेरे पास दोस्तों सबसे पहले ये, अगर इसकी हम बात करें कि इसका क्या नाम है और कहाँ पे जो है हम इसका यूज करते हैं, तो जैसे कि आप देख रहे हैं दोस्तों ये रिड्यूसर है, ये 1.25 बाई आधा इंची का जो है रिड्यूसर है। तो रिड्यूसर दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ रिड्यूसर होता है क्या है। रिड्यूसर दोस्तों वो होता है जहाँ पे हम पानी का जो प्रेशर होता है, पानी के प्रेशर को बढ़ाने के लिए भी हम जो है रिड्यूसर का यूज करते हैं। कि जैसे कि आपकी जो 1.25 इंच की पाइप है, ठीक है, 1.25 इंच की पाइप कोई आ रही है आपकी, ठीक है, वहाँ से हमें जो है आधा इंची का जो है ये आगे का जो डाया है ये आधा इंची का है, और जो पीछे का जो डाया है दोस्तों ये आपका जो है 1.25 इंची का है। तो इसके शेप से ही दोस्तों आपको पता चल रहा होगा कि देखिए जैसे इसका जो बाहर का जो डाया है ये ज़्यादा डाया है और जो अंदर का जो डाया है ये कम है। तो जब पानी यहाँ से अंदर की तरफ जाएगा तो उसका जो है प्रेशर ऑटोमेटिकली जो है ज़्यादा हो जाएगा। तो इसका यूज़ वही होता है कि प्रेशर बढ़ाने के लिए जो है इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये रिड्यूसर बोलते हैं दोस्तों इसको, प्लम्बर भाई। और अगर दोस्तों मैं इसकी सिंपल भाषा में बात करूं तो मान लीजिए जब आप अपने घर में प्लम्बिंग की जो फिटिंग कराते हैं तो आपका जो आउटलेट का जो पाइप होता है जहाँ से पानी टंकी से पानी जो टंकी होती है आपकी छत पे, छत की जो टंकी से आपका आउटलेट का जो पाइप निकलता है, मान लीजिए आपका जो एरिया है काफ़ी लंबा एरिया है, काफ़ी लंबा जो है पाइपिंग होगी आपकी, तो क्या करते हैं प्लम्बर भाई क्या करते हैं कि जो आपका 1 इंची का पाइप आउटलेट का पाइप निकलेगा टंकी से, ठीक है, वहाँ पे क्या करेंगे 1.25 इंची का ये है कि मतलब काफ़ी आगे चलने के बाद क्या है वहाँ पे क्या है रिड्यूसर लगा देते हैं कि जो आपका 1 इंची का पाइप था वहाँ पे 1.25 इंची लगा देंगे। 1.25 इंची का पाइप है तो वहाँ पे जो है आधा इंची का रिड्यूसर लगा देंगे। तो उसका मेन पर्पज़ ये होता है कि जो पानी का जो प्रेशर है वो बना रहे, इसका यूज ये होता है, तो ठीक। आपका ये रिड्यूसर है और 1.25 इंची का रिड्यूसर है और ये आधा इंची का, 1.25 बाई आधा इंची का जो रिड्यूसर है तो 1.25 इंची का पाइप है। तो दोस्तों ये जो है आपका, ये आपका टेप्लोन टेप है। इसका टेप्लोन टेप का यूज़ क्या होता है, जो मतलब हमारा जो टैप होते हैं, नल वगैरह होते हैं, तो जो आपका दोस्तों जो टैप होता है घर में, ठूठी जिसको आप बोलते हो, तो जो थ्रेड वाला जो एरिया होता है जो आपका जिसमें चूड़ी होती है, तो उस चूड़ी के ऊपर जो है इस टेप्लोन टेप को जो है लगाया जाता है, ठीक है, इसको इसके ऊपर लगाया जाता है ताकि आपका जो है नल जो है या कोई भी थ्रेड वाला एरिया जो वहाँ से पानी लीकेज ना हो, तो उसकी जो है पकड़ अच्छी से बन जाए, वहाँ पे लीकेज वगैरह ना हो, तो इसका टेप्लोन टेप का जो है यूज़ किया जाता है, ठीक है दोस्तों। इस टेप्लोन टेप का यूज ये होता है, प्लम्बर वाइज का यूज वहाँ पे करते हैं, ठीक है। ये मैंने रिड्यूसर आपको बता दिया है, टेप्लोन टेप बता दिया है, अब बात करता हूँ इसका। तो दोस्तों अपना ये जो है आपका क्लैंप होता है, क्लैंप की जो आपका जहाँ पे आपका मतलब कि आप पाइप लगाते हो, जो आप नॉर्मल पानी की पाइप लगाते हो, तो कई बार क्या हो जाता है कि वो पाइप निकल जाती है, ठीक है, तो वहाँ पे हम जो है इस क्लैंप का यूज़ करते हैं ताकि वो पाइप ना निकले। ये क्या दोस्तों वहाँ पे इसको स्क्रू ड्राइवर की सहायता से आप उसको टाइट कर सकते हो, जितना आपको टाइट करना ये एडजस्टेबल होता है, देखो इसके ऊपर ये स्क्रू लगा हुआ है, तो इसको स्क्रू ड्राइवर की सहायता से आप जितना आपको टाइट करना है या ढीला करना है आप इसको कर सकते हो। इस क्लैंप का यूज़ वही होता है कि जो पाइप आपकी पानी की पाइप बार बार निकलती है, इसकी सहायता से जो आप इसको आप टाइट कर दोगे तो वो पाइप नहीं निकलेगी, ठीक है दोस्तों। और लास्ट इस वीडियो में बात करता हूँ कि यह दोस्तों आपका CPVC सॉल्वेंट, CPVC सॉल्वेंट, ठीक है। CPVC सॉल्वेंट का यूज़ दोस्तों हम कहाँ पे करते हैं, तो CPVC सॉल्वेंट का हम यूज जो आपका CPVC जो आपका पाइप्स होता है, ठीक है, उसके लिए तो हम यूज़ करते ही करते हैं, बट CPVC सॉल्वेंट का यूज़ दोस्तों हम UPVC के लिए भी कर सकते हैं, UPVC जो पाइप्स होते हैं, और जो आपका PVC जो पाइप्स होते हैं उसके लिए भी जो सॉकेट होते हैं, टी होता है जो पाइप यूज उसके लिए, तो हम CPVC सॉल्वेंट का हम यूज UPVC में भी कर सकते हैं, UPVC में भी कर सकते हैं और CPVC में कर सकते हैं। तो ये जो आपका रिड्यूसर है, ठीक है, इस रिड्यूसर में भी जो हम मतलब कि जो है हम CPVC सॉल्वेंट का यूज़ कर सकते हैं।
आई होप दोस्तों आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको तो जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को अधिक से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।